नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। कथित पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्म है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। हालांकि अखबार की रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा, साथ ही पूछा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों हैं? कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोविल ने ट्वीट किया, नरेंद्र मोदी चुप हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि टैक्स पेयर्स के 300 करोड़ का भुगतान इजरायली एनएसए को किया गया। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया है। पिरान कलियर विधानसभा से मुनीश सैनी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहीं मुनीश सैनी ने नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन भरा, जिसके बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी रण में सहयोग करने का वादा किया। वहीं विधानसभा प्रत्याशी मुनीश सैनी ने बीजेपी आलाकमान को धन्यवाद दिया है। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का, अपने प्रत्येक आदमी का जो हो आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता की जगह इस जगह ड्यूटी लगाई है और इस ड्यूटी का हम लोग प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठा के साथ में काम करता है और जो हो वो इसका निष्ठा के साथ में हम लोग इसका कार्य जितना भी मेरे से हो पाएगा या करेंगे और हम समर्पण के साथ में उसकी पूरी ड्यूटी अपनी पूरी करेंगे। लालकुआ में संध्या डालाकोटी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले संध्या डालाकोटी को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला था। बाद में पार्टी आलाकमान की तरफ से मंथन के बाद हरीश रावत को लालकुआ विधानसभा से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया। इसी को लेकर संध्या डालाकोटी से खास बातचीत की। लालकुआ से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर्य ने इस दौरान क्या कुछ कहा, संध्या डालाकोटी ने आप ही सुनिए। इसका चुनाव बिल्कुल बच चुका है, ऐसे में आज एक ऐसी शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, सभी में आगे देखी जा सकती हैं। लालकुआ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कदम रखने जा रही है संध्या डालाकोटी जी, हमारे साथ ही है। संध्या जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। धन्यवाद भैया। मैडम, पहला सवाल तो ये रहेगा, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन उसके अपोजिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मुझे बेटी दिवस के दिन ही ये तोहफा मिला था टिकट का। और जिस दिन 26 जनवरी थी उस दिन 7 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आपका टिकट कट गया, और बिना कारण बताए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और मैं एक महिला हूँ, और आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी का नारा था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसमें कुमाऊं मंडल से 2 महिलाओं को टिकट दिया था, उसमें से एक लालकुआ था एक रुद्रपुर था, और उसमें लालकुआ का टिकट काट दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं का सम्मान ऐसी होगा, हमारी महिलाएं सशक्त ऐसी होंगी। हर एक माँ का सपना होता है कि मेरी बेटी आगे पहुँचे, हर एक बहू आगे बढ़े, लेकिन आज जिस तरह से पार्टी ने मुझे आहत किया हुआ है, मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है। जनता रूपी आशीर्वाद यदि आपको मिला तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर आप कार्य करेंगे? देखिए, जनता अगर आशीर्वाद मुझे देगी तो मैं इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से मुझे पूरा वाकिफ है, मैं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनूंगी। हमारा चाहे बिंदुखत्ता में राजस्व गांव का मुद्दा हो, यहाँ ओवर ब्रिज हो, मालिकाना हक की बात हो, NHI की रोड हो, इंदिरा नगर का नाला, अंतर्राज्यीय बस अड्डा हमारा प्रस्तावित हुआ अभी तक का नहीं बना, इंटरनेशनल स्टेडियम, गोलापार में नकेल का पुल, विजयपुर का पुल, शेर नाला, नंदौन नदी जैसे कई ऐसे जंगली जानवरों का जो नुकसान हो रहा है हमारे, क्योंकि 80% कृषि बाहुल्य क्षेत्र है ये, तो ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस क्षेत्र में विकास होना है तो मैं उसको पूरा करने में सक्षम रहूंगी। हरीश रावत जी अभी बोले कि संध्या जी मेरी बहन जैसी हैं,
तो मैं उन्हें मना लूंगा। किस तरीके से देखते हैं, रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे, वो कल भी थे और आज भी हैं। और जिस तरह से मुझे आज पार्टी ने आहत किया है, अब मैं इसके लिए मैं उस पार्टी को क्षमा करने वाली नहीं। तो हमारे साथ संजय डालो कोटी जी थे, जिन्होंने कहा कि जनता रूपी आशीर्वाद यदि उन्हें मिलता है तो जनता के हित में सदैव वो कार्य करेंगी। न्यूज वर्ल्ड इंडिया से धर्मेंद्र आर्या, लाल। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के कारण डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मंगलौर विधानसभा में आप प्रत्याशी नवनीत राठी ने गांव-गांव जाकर सर्व समाज के लोगों से वोट देने की अपील की और नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मंगलौर के लिबरहेड़ी गाँव में ग्रामीणों से मुलाकात भी की है। तो तस्वीरें मंगलौर की आप देख रहे हैं, जहां पर आप प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से वोट देने की अपील भी कर रहे हैं। बरेड़ी गांव में आया हुआ हूं और हम हर गांव में डोर टू डोर जा रहे हैं और हमारे सभी आम आदमी किसान जो कहीं ना कहीं एक मध्यम परिवार, मध्यम किसान, मजदूर और सभी इस अथक प्रयास में लगे हुए हैं, जो ये मंगलौर विधानसभा की जो हालत है उसे सुधारने में पूरी जान लगा देंगे और बरेड़ी से हमें रिकॉर्ड तोड़ वोट मिलेंगी। कहीं ना कहीं ये अब मेरे मामा का भी गांव है तो मेरे मामा नाना अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे और योजनाओं को भी मैं तो समझा ही रहा हूँ, वो पूरा गाँव सब तक योजनाएं पहुँचा रहे हैं। और अगर हम वोट बैंक का समीकरण भी देखें तो उसके हिसाब से भी समीकरण जो टिकट का आधार पर हमारे विधानसभा में हुए हैं वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। हम एक तरफा एक हमारा जनाधार बढ़ता जा रहा है, तो बस यही कहूंगा कि अब की बार मंगलौर विधानसभा का इतिहास बदलना, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से बदलना है। लेंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत ने अपना नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद पूर्व काबीना मंत्री हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लेने अनुकृति गुसाई पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंची, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, साथ ही चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति भी तैयार की है। और जहां तक बात रही लैंसडाउन की, लैंसडाउन मेरा घर है, अपने घर की बेटी हूँ और ज़रूर देखिए, मैं ये बात आपसे कह रही हूँ कि अगर आप देखेंगे तो अब सारे जितने लोग थे आज कुछ प्रत्याशी जो जिन्होंने अपना नाम दिया था आज मेरे साथ मेरे नामांकन में भी आए हैं, तो बहुत सारा प्यार, देखिए क्या होता है, नाराज़गी रहती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए जब घर की बेटी की बात होती है तो सब लोग एक साथ आके खड़े होते हैं। पूरा लैंसडाउन का साथ मेरे साथ है, कांग्रेस पार्टी का आज जो समर्थन है वो मेरे साथ है और जो जन सैलाब है आप लैंसडाउन के अंदर आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से आज लोगों के अंदर ऊर्जा है, जो वो 10 सालों का अंधकार है, क्योंकि अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से भी लैंसडाउन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है एक सामाजिक संस्था के माध्यम से। विशेष करके जब कोविड का समय था तो लोग कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे, वो इस तरह का काम करती रही है, लोगों को दवाई देना, लोगों की सहायता करना, वहाँ जो बेरोज़गार बच्चे हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाना, सिलाई के केंद्र चलाना, इस तरह का काम वो लगातार करती रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के सिंबल पर ऋषिकेश विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ रहे मोहन सिंह असवाल ने कहा है कि 21 साल बीतने के बाद भी उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय दलों ने कोई विकास कार्य नहीं किए, इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के निवासियों ने राष्ट्रीय दलों की नहीं बल्कि स्थानीय दलों पर विश्वास जताने का मन बना लिया। उन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड क्रांति दलों को जिस तेजी के साथ स्थानीय लोग अपना सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देने के लिए कह रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 मार्च को उत्तराखंड क्रांति दल बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल के रूप में खड़ा होगा। सबसे पहले अपने जो पत्रकार मीडिया बंधु हैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आपने उत्तराखंड क्रांति दल को इस समय जो है आप यहाँ पर उपस्थित हुए, क्षेत्र में तमाम तरीके के जो उत्साह जो मुझे दिखाई दे रहे हैं पब्लिक में,
इस समय जो है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रति लोगों का पूरा रुझान है, क्षेत्रीय पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस और भाजपा की सरकार देख ली, यहाँ तमाम उनका शोषण कर रही है जनता का, और इस वजह से जो है जनता में इसका जो है रोष व्याप्त है उनमें कि भाई इस अगर वही लोग बार बार जो है चुने जा रहे हैं, चाहे वो इधर भाजपा में चले जा रहे हैं या कांग्रेस में चले जा रहे हैं, उन्हीं का ही चुनाव होता जा रहा है, और ये जनता समझ चुकी है। और क्षेत्रीय पार्टी जिसने अपना उत्तराखंड बनाया, सही हमारे 42 से ज़्यादा लोग जो है इसमें शहीद हुए, और इस तरह से जब जनता के अंदर मैसेज आ रहा तो उत्तराखंड की जो विकास के कार्य हैं वो क्षेत्रीय पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी की अपेक्षा ज़्यादा सही ढंग से कर सकती है। और यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी खबरें। अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराए नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for the venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की? आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार. Vedanta, an exclusive IAS Institute of Dehradun, Uttarakhand. 11A Nimbuwala, opposite RIMC Main Gate, Garhi Cat, Dehradun. Mobile number 9319700579. At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The Dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job. ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करेंगे खबरों का। विधानसभा सीट ऋषिकेश पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने भी शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए जयेंद्र रमोला ने कहा कि उन्हें टिकट दिए जाने से कुछ वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं, जिन्हें लगातार अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जल्द ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरवीर सिंह सजवान और अन्य कांग्रेस नेताओं की नाराजगी दूर कर मना लिया जाएगा। जयंत के अनुसार लगातार क्षेत्र में उन्हें भरपूर जन सहयोग मिल रहा है।
खुशनुमा माहौल है और खुशनुमा माहौल में आज शुभ मुहूर्त में हमने नामांकन किया और मेरे साथ वरिष्ठ ऋषिकेश के वरिष्ठ कांग्रेस जन मातृशक्ति युवा शक्ति मेरे साथ कांग्रेस भवन ने मुझे स्वागत किया और इस बार जो जनता का मूड है वो अपने आप में देखने को मिलता है और एक दूसरे से अगर आप चर्चा भी करेंगे तो इस समय जनता का मूड प्रदेश के साथ साथ ऋषिकेश की भी सत्ता पलट करने का मन है और इस बार जो 15 साल से सूखा पड़ा है ऋषिकेश के विकास में सूखा पड़ा है ऋषिकेश के वृद्धि में सूखा पड़ा है वो अब 10 मार्च को समाप्त हो जाएगा और उसकी मोहर 14 फरवरी को बैलेट पेपर पर लगने वाली है। फिर एक सवाल देखिए सजवान जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं और यहाँ उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य भी किए हैं और मुझे मेरा मानना यह है कि सजवान जी थोड़ा सा नाराज़ तो हैं लेकिन मेरी कल रात भी उनसे वार्ता हुई और जल्द ही हम सब एक सौहार्दपूर्वक वातावरण में आपस में बैठकर आगामी चुनाव की तैयारी पर करेंगे और सब लोग एक मंच पर जनता के साथ आह्वान करके वोट मांगते हुए विजय हासिल करेंगे। नैनीताल के 58 विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी से राजकमल सोनकर ने अपना नामांकन पत्र उप जिलाधिकारी कार्यालय में सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन को सौंपा। इस दौरान रईस अंसारी समेत बीएसपी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। तो राजकमल सोनकर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे हैं। तो इस दौरान रईस अंसारी समेत बीएसपी के कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की जा रही है, ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन भर रहे हैं। भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज करते हुए विधानसभा क्षेत्र के गांव डालापट्टी में ग्रामीणों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की है और कहा है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को साथ लेकर चलती है और उत्तराखंड को एक अच्छी और बेहतर सरकार दे सकती है। इसी बीच उन्होंने अपने स्वर्गीय पति पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश और अपने 7 सालों के किए हुए कार्यों के आधार पर लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की है। मैं लगभग 4 गांव में गई हूँ और 4 गांव में और मेरे कार्यक्रम हैं। अब कार्यक्रम क्या कहूँ कि भगवानपुर की मैं जनता बहुत ही सम्मानित है, जागरूक है, समझदार है और हमारा इनसे परिवार का घर का नाता है। ये मुझे विधायक के तौर पर बाद में और अपने घर के सदस्य के रूप में देखते हैं क्योंकि हम हमेशा इनके सुख दुख में 24 घंटे इनके साथ हर मुद्दे पर जुड़े रहते हैं। तो ये तो मुझे अपने घर की बेटी समझ कर, बहन समझ कर के सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए मैं इस समय डाडापट्टी गांव में हूँ, अरविंद सैनी जी के, योगेश सैनी जी के आवास पर हूँ। यहाँ पर हमारे युवा साथी भी हैं, हमारे जिम्मेदार आदमी, सब जिम्मेदार आदमी हैं। तो आप इन्हीं से पूछ करके देख लीजिए। तो मैं तो हमेशा अपने पति सुरेंद्र राकेश जी की तरह विकास की और भाईचारे का हमारा प्रमुख मुद्दा है। विकास करना चाहिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सबसे अहम बात यह है कि आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारा रहनी चाहिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि बड़े से बड़ी जंग नफरत से नहीं मोहब्बत से जीती जाती है। तो ये प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस में बरकरार रहना चाहिए और मुझे कहते हुए गर्व है, इस चीज़ पर खुशी है कि पिछले 7 सालों से हम इनसे जुड़े रहे। पिछले 7 सालों में ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि जब यहाँ पर इस तरह का कोई माहौल खराब हुआ हो या इस तरह की कोई अप्रिय घटना हुई। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले कल की तुलना में आज फिर कम हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,35,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 871 लोगों की जान चली गई। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 13.39% हो गया है। बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 15,670 मामले कम आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 20,04,333 है। वही इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,93,198 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 3,35,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं जिसके बाद अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं।
उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे के सामने देवभूमि व्यापार मंडल दिनेशपुर के महामंत्री प्रसन्नजीत शाह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान नगर पंचायत के तमाम सभासद गण मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रसन्नजीत शाह ने कहा कि नवनिर्वर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के विकास कार्य से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। आगे वो कहते हैं कि इस बार गदरपुर विधानसभा की सीट अरविंद पांडे जीत रहे हैं, साथ ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। निवर्तमान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी के किए गए विकास कार्यों और उनकी जन नीतियों से प्रभावित होकर आज मैंने उनको अपना समर्थन दिया है और मैं अपने तन मन धन से उनके साथ हूँ और अपनी पूरी टीम के साथ मैं उनको चुनाव लड़वाऊंगा। जातिवाद का भी फिलहाल कोई फैक्टर नहीं है, ये तो आपको ही पता है कि बंगाली बाहुल क्षेत्र में पांडे जी ने किस स्तर पर काम किया है और बंगाली वोटर उनके साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी पता लग रहा होगा कि वो किसी भी मामले में महाजन से पीछे नहीं है बंगाली क्षेत्र में। पौड़ी में जहां एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी और श्रीनगर विधानसभा से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे धनसिंह रावत और गणेश गोदियाल एक दूसरे के गले मिलते दिखाई दिए। दरअसल ये झलक देखने को तब मिली जब दोनों राजनीति के दिग्गज नामांकन के दौरान एक दूसरे के सामने अचानक आ गए। इस दौरान कुछ पल के लिए दोनों असहज हुए, हालांकि अपनी असहजता को छुपा कर एक दूसरे से अभिवादन का आदान प्रदान जरूर किया। देखिए निजी रूप में कोई हमारी जाति दुश्मनी थोड़ी है, तो निजी रूप में कोई मतभेद नहीं होता। लोकतंत्र में यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारी विचारधाराएं अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन हम मेरे तो वो यजमान भी हैं, मैं उनका पुरोहित हूं, तो उस रूप में मैंने उनको गले लगाया और उन्होंने भी बड़े आदर के साथ मेरा अभिवादन स्वीकार किया। तो निजी रूप में हमारी कोई वैमनस्यता नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कोई वैमनस्यता वाली बात नहीं। उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ही चुनाव होने हैं। योगी सरकार समेत सभी राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। वहीं इन दिनों राजनीतिक दलों की आपसी चुनावी जंग जो है वो भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन्हें ना तो कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव जी आपको ना कोरोना का टीका पसंद है ना माथे का टीका पसंद है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को हापुड़ में केशव प्रसाद मौर्य ने दावा करते हुए कहा था कि सत्ता में आने का दम भर रही साइकिल पंचर हो चुकी है, लक्ष्मी जी कभी टूटे वाहन पर सवार नहीं होती। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी जी फिर से कमल पर बैठ कर आ रही है। दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर आज बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बाइट विद मी गीत को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बीटिंग द रिट्रीट में बाइट विद मी को मिस करेंगी, ये थोड़ा मुश्किल है। बता दें कि महात्मा गांधी के पसंदीदा ईसाई भजनों में से एक है बाइट विद मी को इस साल 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है। 1847 में स्कॉटिश अलिंकन कवि और भजन विज्ञानी हेनरी फ्रांसिस लिटी की तरफ से लिखित अबाइड विद मी 1950 से बीटिंग रिट्रीट समारोह का हिस्सा था, लेकिन इस बार नहीं होगा।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।